डैमेज तो दिया है। तो भाई आ चुके फिर से एक और कमाल की गेम प्ले वीडियो के साथ वापस। एंड आज का जो गेम प्ले वीडियो होने वाला है इसमें ही एक इतना दूर नॉक मिलेगा बंदा, मतलब इतने चलती बगी हवे में, एंड उसमें से एक बंदा उतर जाता है भाई मेरे स्प्रे में। एंड भाई वो जो चीज थी ना, उस चीज के लिए आप लोग लाइक सब्सक्राइब वाला बटन तो दबा ही देना, क्योंकि इंस्टाग्राम पे भी डाल तो काफी लोग बोलने लगे कि यार जल्दी से मतलब ये अपनी वीडियो में मतलब गेम प्ले का डालो। एंड इसी बीच मेरे को एक मॉडल वाला बंदा, मॉडल वाली ड्रेस का बंदा दिखता है, मैं अपना भाव नहीं देता, लेकिन जैसे मैं टीममेट्स बोलने लग जाते हैं यार इस पे ग्लेशियर है और पता नहीं और कौन कौन सी क्या क्या दिखाने लग जाता है, तो मैं बोलता था ध्यान नहीं देता। बट जब ये ग्लेशियर बोलते तो मैं बोलता भाई बंदा तो अच्छा आया है, मतलब मॉडल वाली ड्रेस सबके ज्यादातर बंदों पर है लेकिन ग्लेशियर ज्यादा बंदों पर नहीं है, वो भी फुल मैक्स। एंड भाई साहब देखने में कमी लग नहीं थी, मैं भी ब्लड रेवन दिखाता हूँ, मुझे पता तो लग गया था ये फेक वाला होगा, मतलब हमें कंफर्म नहीं था, बट इस बंदे का नाम एक्चुअली में बूम बम रखा हुआ इस बंदे ने, जैसे मॉडल रखता है बूम बम। अब यहाँ पे कंफ्यूज थे यार रियल है या फेक है, बट एक्चुअली आपको आखिरी तक में पूरी रियलिटी पता लग जाएगी। सो गाइस आज का जो गेम प्ले होने वाला है उससे पहले एक बार लाइक वाले बटन को दबा दो, लाइक में रखते करीब 30,000। और देखो सबसे बड़ी बात की काफी लोग में से पूछने लग जाता है कि तेरे हर मैच में एक्सूट या फिर ये ग्लेशियर ग्लेशियर वाले बंदे कहां से आते हैं, तो यार डेली मैं रूटर पे रात को लाइव करता हूं, और प्रूफ के लिए तुम रूटर पे जाके चेकआउट कर सकते हो, डेली मैं रात को स्ट्रीम करता हूं और डेली कोई ब्लड रेवन लेके आता है, कोई पोसाइडन लेके आता है, एंड बहुत सारे एक्सूट आते हैं। तो गाइस जल्दी से मेरे को भी रूटर पे फॉलो कर लो, डेली रात को स्ट्रीम करता हूं और डेली रात में ना ऐसी एक्सूट वाले बंदे की पिटाई करता हूं डेली रात में। एंड रात में जो बोलता है ना कि नहीं आते भाई, रात में तुम आके लाइव में तो देखो कितने सारे ग्लेशियर वाले बंदे आते हैं, बैरल सारे अपग्रेडेबल गन्स वाले बंदे आते हैं। एंड रूटर पे भाई अभी मैं गिव अवे स्टार्ट करने वाला हूँ कुछ दिन बाद, मैं यहाँ पे यूसी गिव अवे स्टार्ट करने वाला हूँ, लाइक यहाँ पे रूम भी बनाऊंगा, एंड जो बंदा रूम जीत जाता है उसको रूम में यहाँ पे यूसी गिव अवे करने वाला, तो जल्दी से डाउनलोड करो और मेरे को फॉलो करो रूटर ऐप पे, न्यूयॉर्क एक्सपन करके मैंने यहाँ पे अपना अकाउंट बना रखा है, तो जल्दी से आओ यहाँ पे फॉलो कर लो, और यहाँ पे फ्री में यूसी भी जीत सकते हो और पेटीएम कैश तक भी जीत सकते हो, तो जल्दी से डाउनलोड करो रूटर ऐप, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में एकदम टॉप पे ही मिलेगी, तो जल्दी से डाउनलोड करो रूटर। और याद से फॉलो करना मत भूलना गाइस, वहां पे भी आपके भाई का प्रोफाइल यानी एक चैनल है वहां पे भी रूटर पे भी, जहां पे नियोनिक्स पावर एक वेरीफाइड टिक के साथ आपके भाई का वहां पे चैनल है। खैर ये कि स्क्वाड मैच है, साइड में मुझे ऐसा क्यों लगा कि जस्ट साइड में ब्लड रन वाला उतरा है। खैर यहां पे बहुत बंदे हैं, यहाँ पे मैं एक बॉट वाइल ड्रेस पहन के खेल रहा था, तो काफी लोगों को मैं बॉट लगने लग जाता हूँ, तो शायद से ऐसा इसी वजह से नहीं मार रहे थे, बट नीचे दो बंदों को निपटाते हैं। एंड अभी बारी है उस ग्लेशियर वाले बंदे की जो कि मॉडल वाली ड्रेस पहन के खेल रहा है, उसका थोड़ी देर में नाम आता है एंड वो लिखा होता है बूम बम। एंड यहाँ पे गाइस एक बहुत तगड़ा भी नॉक पड़ता है, अभी क्लच करके दिखाऊं क्या? Watch out! आओ चलो आओ। अबे ये कौन है? Thomas. Thomas. ये कौन है? इसे यही देख यार मोटर वाला ड्रेस वाला। शायद यही होगा। आओ चलो आओ। लूटने मत दो इसको। क्या प्रेजेंट है? ऊपर नहीं है वो, नीचे बाहर बाहर है बाहर, ऊपर नहीं। आओ 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 आओ, है बहुत गंदा लो है, फिर करो है लोगों में, मुझे फिर सुनो तो रुके तो मैं गाड़ी लेके आऊं क्या? अरे ये बूम बम तो मारे जा रहा है भाई, कोई बात नहीं। नाम क्या है? खैरा
अब यहाँ पे मेरा टीममेट एक चला गया था गाड़ी लेने, लेकिन उसको एक बंदा मिल गया था, और एक वही बंदा था जो इसको फिनिश कर देता है। एंड इस बंदे का नाम वही था जिसको मारने के लिए आए हुए थे इस मैच में। कौन बंदा बग्गी जा रही है सरकार तेरे बग्गी आ रही है अरे ये क्या मैं बोल रहा था तेरे पे बग्गी आ रही है। और यहाँ पे ये वही बंदा था जो मेरे टीममेट को फिनिश करता है एंड बूम बम करके। मुझे तो लगता है ये रियल वाला तो नहीं है, क्योंकि मैंने देखो अब गेम में तो हमें कुछ समझ तो आ नहीं रहा था कि रियल है या फेक है, क्योंकि हमने रैंकिंग में देखा नहीं नाम की मोटल ने नाम चेंज किया फिर क्या कौन चेंज किया नहीं किया। अब काफ़ी सारे यूट्यूबर्स डेली नाम चेंज करते हैं, तो हमें रियल वाला लग रहा था, तो हम थोड़ा अच्छे से मैच खेलते हैं। एंड मुझे कन्फर्म तो नहीं था, लेकिन अब जो भी था उसी तरीके से मैच खेलते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बगी आती है एंड ये देखो मेरी टीम में क्रिएट यहाँ बना के गया है। एंड ये देखो यूएमपी की जो फुल मैक्स वाली गन थी ना उस वाली गन से मारा है, और अभी देखते जाओ आगे क्या क्या होने वाला है। इस बंदे से हमारी से फिर से फाइट होगी एंड देखना अभी किस तरीके से मारेंगे। खैर बगी उठाते हैं ऐसे और निकलते हैं अभी। तो और ये वही बंदा है जिसने हमारे टीममेट को नॉक फिनिश कर दिया एंड भाग गया था वहाँ से। एंड आखिरकार हमने इसको पकड़ लिया एंड शायद इसके टीममेट भी मर गए थे, इसको भी कहीं से पड़ रही थी हमारी तरफ भाग के आता है, लेकिन हम इसको यहीं पकड़ लेते हैं। एंड अब पता नहीं कहाँ से गोलियां चलने लगी थी, लेकिन अब भी एक ऐसा नॉक दिखेगा लगा जहाँ पे आप लोग मेरे को हैकर बोलने पर मजबूर हो जाओगे। मतलब कैसे, मैं भी अपने से पूछा मतलब कैसे, मैं भी कन्फर्म नहीं था, लेकिन मैं भी पूछा कैसे मारा भाई मुझे नहीं पता। देखो कितना देर बाद किल फीड आ रहा है भाई, कितना ही ग्लिच गेम है यार ये। खैर अभी आगे चलते हैं एंड अब देखना ये वाला नॉक जो कि हमारे को जैसे हम बूम बम वाला जो बंदा था उसकी क्रेट लूटने जाते हैं तब पता लगता है। एंड भाई हम बहुत ही ज़्यादा गंदी जगह फंस जाते हैं एंड यहाँ से निकलना इम्पॉसिबल टाइप हो जाता है इस बॉट को मारने के चक्कर में भाई क्या ही। अब बारी थी मॉडल वाले आउटफिट बनाने की, तभी मैं ऐसा कुछ भी नहीं भाई, सब्सक्राइब दब जाने चाहे दूर से दबा चाहे पास से, भाई क्या ही नॉक दिया हवा में चलती बगी में। एंड अब ये लोग रिवाइव हो जाते हैं एंड यहाँ पे थोड़ी टीममेट की ड्राइविंग की वजह से मैं यहाँ पे उतर जाता हूँ। मैं बोलता भाई मत ले इनके पीछे, क्योंकि तो उसका एग्जैक्ट पीछे ले रहा है और वो बंदा एग्जैक्ट मेरे मुंह पे मारेगा, तो ये थोड़ा मैं बोला एग्जैक्ट फॉर्म में इधर तो घुमा के लिए बगी तो शायद नहीं मार पाएंगे, बट एकदम पीछे पीछे लेता है। तो यहाँ पे बोलता है एक काम करने दे मेरे को फिनिश होने दे, मेरा रिकॉल बाकी है तू दूर भाग जा, वरना तू भी अगर नॉक हो मतलब नॉक नहीं हो हम दोनों ही फिनिश होएंगे। और ये मैच काफ़ी अच्छा बना है, तो अब वापस से रिकॉल होता है इन बंदों के पास, दो तीन और स्क्वाड आ जाती है। तो मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ एक काम कर तू मेरे को M4 दे दे, बाकी इनकी पीटी तो मैं ही बना दूंगा। खैर इसी के बाद हम नीचे उतरते हैं और यहाँ पे तुम फाइट देखना बस अभी कितनी तगड़ी होने वाली है। और यहाँ पे थोड़ी बहुत लूट करने का था अपने टीममेट को बोलता भाई काम कर चल निकलते हैं यहाँ से और बंदे को मारते जिसने हमें नॉक फिनिश किया था। लेकिन वहाँ पे अब भी कड़ाई पे एक ही दो बंदे दिख रहे थे ना तुम्हें पहले, अब भी कड़ाई पे भर गए पूरे बंदे एंड इतने सारे बंदे जहाँ पे हमें एक HP पे वापस से पीछे भागना पड़ा। और पहाड़ी से बंदे आ रहे, यहाँ से बंदे आ रहे, ये देखो अभी तुम इसको देखते दो लो लो फर्स्ट लो यहाँ पे एक बड़े ही प्यारा नॉक देता है कोई एंड यहाँ पे अभी पूरी की पूरी टीम चार के चार बंदे हम पे रश कर देते हैं। अब तुम देखो यहाँ पे क्या हालत होती है हमारी।
बस आ रहा है। Mark the location. अब देखो एक्चुअल में होता है कि इसका जो बंदा रिवाइव होता जस्ट उसको तो पता था कि वो तो मारा जाएगा वापस, तो हमारे सामने आके स्कैम मतलब लाइक जंप करने लग जाता है, लेकिन इसका जो दूसरा बंदा था वो पूरा मूड में था और पीछे से आकर अपनी एकम फायर भी करता हमारे ऊपर, लेकिन मैं आखिरकार मार ही देता हूँ। एंड हमारे पास एमओ एमओ के नाम पे तो भाई कुछ ही एमओ बची थी, एंड मैं नहीं चाहता था कि वापस हम ऐसा मतलब ऐसा स्कैम में मर जाए। एंड फाइनली यहाँ पे हम एक फाइट जीत जाते हैं, एंड बारी अब सामने वाले बंदे होती जिन्होंने हमको मारा था, एंड अब जोन आ जाता और हमारे पास एक भी गाड़ी नहीं होती। अब पैदल भागने के सिवाय हमारे पास कोई चांस नहीं था और जोन काफी डैमेज दे रहा था। देखो जोन के पास जितनी भी गाड़ी थी सारी खराब हो गई थी, हम लाए थे वो खराब। एंड ध्यान से देखो उस पहाड़ी पे एक बंदा आपको चलता हुआ दिख रहा है। अब बस हम यही डर रहे थे, एक तो एचपी हमारी जा रही थी और जोन के बाहर थे, एंड मैं चाहता तो इजी मार देता लेकिन अभी मैं पंगे बिल्कुल भी नहीं लेने वाला था। सबसे पहले गाड़ी को मैं कवर में लेता हूँ एंड अभी फाइट लेंगे, बट भाई पहले जोन तो निकल ले वरना अगर उसने ध्यान दे दिया तो एक एक एचपी का हम आराम से उतार सकता है। ये वैसे ही जोन से हम मार रहे हैं मतलब जोन से भाग रहे हैं। खैर साइड में लेके सबसे पहले हील करता हूँ, एंड अभी पहाड़ी वाली बंदूक बारी है, 15 किल कर देगा अभी तक हमने। अभी तो गेम स्टार्ट हुई असली वाली, यहाँ पे हम बहुत गंदा सैंडविच हो जाते हैं। अब देखो होता क्या है कि हमारे पास गाड़ी में फ्यूल थोड़ा सा ही था, तो मैं ट्राई करता हूँ कहीं ना कहीं से करके मैं वो स्क्वाड हाउस पे पहुंच जाऊँ, रश कर दूं। लेकिन भाई साहब मुझे ऐसा एक पीछे भी बंदे की आवाज़ आई थी, लेकिन हम सोचे पीछे वाले को बाद में मारेंगे, एक काम करते स्क्वाड हाउस पे मतलब स्क्वाड हाउस वाले पे रश कर देंगे गाड़ी लेकर। लेकिन हमने फ्यूल देखा ही नहीं, फ्यूल खत्म होगा बीच रास्ते में। अब सैंडविच बनने के पूरे चांसेस है, पीछे भी है आगे से ही पड़ रही है, एंड जो जो साइड से ही पड़ रही है। अब हम बहुत गंदा फंस चुके थे, तो मैं बोलते काम करता जो भी मारना है मारेगा दूर से, लेकिन अभी पीछे वाले को पकड़ो। भाई साहब यहाँ पे जो ही बचे हम पीछे को मार देते हैं, लेकिन पीछे दो टीम थी अलग अलग दो टीम। अब जोन तो हमारे पे खींच चुका था, लेकिन हल्का सा मैं आगे जोन में जाना था और जो स्क्वाड हाउस वाले बंदे थे वो आगे आगे नीचे बैठ चुके थे। अब हमारी बारी किस तरीके से होगी, एंड यहाँ पे देखना अभी कितनी गंदी तरीके वाली फाइट होने वाली है, एंड आखिरी में तुम लोग बस शॉक्ड हो जाओगे बहुत। अब यहाँ पे एक बंदा मेरे को आता हुआ दिखता है, लेकिन पता नहीं कौन से पेड़ में पीछे छुप जाता है, मुझे आइडिया नहीं, बट एक स्प्रे देता हूँ। लेकिन कोई स्प्रे का कोई मतलब नहीं क्योंकि पेड़ ही इतने हैं यहाँ पे, समझ ही नहीं आता, घास फूस इतने कर दिए हैं। लेकिन अभी जोर्जो वाले बंदे जो थे जिनको हमने ध्यान से देखा था कि मतलब वो हमको मार रहे थे, अब वो जोर्जो वाले को मैं ध्यान देता हूँ क्योंकि मुझे मालूम था कि जोर में तो है नहीं जोर्जो पोल, तो अब उधर से बंदे आएंगे। फर्स्ट उठाते हैं भाई, मेरे से थोड़ा सा ज्यादा है यार। किस साइड है, मार करना, वॉच आउट। और हम हाइट पे होके पूरा फायदा उठा रहे थे क्योंकि हम लोग अभी हाइट पे थे, एंड मैं अपने टीममेट बोलता कि देख हाइट पे जब तक रहेंगे हम यहाँ से इजीली फिनिश कर पाएंगे। एंड अब बारी दो दो टीम्स नीचे लड़ाई कर रही थी और हम ऊपर से फायदा उठाए जा रहे थे इन दोनों को लड़वा के, और हम ऊपर से कैसे निकाले जा रहे थे। एंड जो ही हमारे को एक एंगल मिल रहा था ऊपर से, देखा था उन लोगों ने कैसे ओपन में बंदे में दिख रहे थे। खैर जैसे मैं यहाँ पे आगे जा ही रहा हूँ तभी मैं वो बंदा तो फिनिश हो जाता है, लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा बहुत आगे बढ़ता हूँ यहाँ पे एक बंदा पत्थर पे आता हुआ दिखता है और ये बंदा एक्शन में जंप करता है, और सबसे बड़ी दिक्कत हमें यही करता, लेकिन ये हमारा फैन निकलता है। और सही बता रहा हूँ जोन में जाने से सबसे बड़ी दिक्कत यही बंदा देता, बट ये बंदा अपना फैन निकलता है तो भाई सबसे बड़ी दिक्कत हमारे सर से हट जाती है। एंड बाकी थी और दो बंदों की, नहीं एक बंदा और था, एक तो ये था एक बंदा और कोई था और वो पीछे साथ हमारे जंप कर रहा है तो यार तो वो भी जंप करेगा। गाइस काफी देर माइक ऑन करते करते भाई ये बंदा बोला नहीं, आखिरी में एक चीज बोलता है भाई आप लोग चिकन ले लो, एंड फिर से ऑफ। मैं बोलता है यार आ यार चिकन नहीं लेते, अब क्या ही करें, बंदा बोलने को राजी नहीं होता। एंड इसी के साथ एक इजी चिकन डिनर। सो गाइस लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर तो कर देना, एंड अपने दोस्तों का शेयर करो, दिखाओ उनको ये गेम प्ले।
चाहे स्प्रे था वो वाला। लेट्स गो गाइस, बाय बाय।